दमदम में तीसरी जीत को लेकर चुनावी समर में उतरे तृणमूल उम्मीदवार सौगत राय को जनता दिल्ली की चाबी सौंपेगी। इसी विश्वास के साथ वे आगे बढ़ रहे हैं। जनता के बीच वोट अपील करते हुए सौगत यह मान रहे हैं कि अभी भी उनके हिस्से का कुछ विकास कार्य बाकी है, जिसे पूरा करने के लिए जनता फिर से उन्हें संसद की कुर्सी पर बैठने का मौका दे। इस चुनाव रण में खुद को विजेता और भाजपा को प्रबल विरोधी मान रहे सौगत को यकीन है कि जनता ने जिस तरह दो बार उन्हें जीत का स्वाद चखाया है, उसी तरह तीसरी बार भी जनता उन्हें ही अपना आशीर्वाद देकर उनकी हैट्रिक पूरी करेगी। शुक्रवार को दमदम के विभिन्न इलाकों में चुनाव प्रचार करते हुए सौगत राय आम जनता के बीच पहुंचे। इस दौरान भारी संख्या में तृणमूल समर्थक शामिल रहे। मुझे तो दमदम का हर जगह से अच्छा रिस्पॉन्स फील रहे। जब हमारे लोग निकल रहे हैं, 100 लोग थे तो वो 500 बन जाते, और लोग घर घर से निकल के हम लोग को रिसीव करते हैं, माला पहनाते हैं और बोलते हैं कि वो तृणमूल को वोट देंगे। मैं तो बहुत खुश हूँ। नहीं, इसके बारे में मैं नहीं कहने चाहता हूँ। मेरा जीतना बस की बात है, मैं प्रचार कर रहा हूँ। वोट तो जनता के हाथ में है, मैं आशा करता हूं कि अच्छा रिजल्ट होगा। फुलेर मासखारे वोट 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 दिन जोड़ा फुले छाप दिन सौगत राय के वोट दिन जोड़ा फुले छाप दिन 19 मे आसछे दिन जोड़ा फुले छाप दिन 19 मे आसछे दिन जोड़ा फुले छाप दिन 19 मे आसछे दिन जोड़ा फुले छाप दिन।